क्या सोशियोलॉजी ऑगस्ट के भी भी पहले पहले थी? सेंचुरी से पहले भी क्या लोग सोशियोलॉजी के बारे में बातें करते थे तो ये चीज हम जानेंगे बिगनिंग ऑफ सोशोलॉजी में तो हम कर रहे हैं सी एन शंकर राव सीरीज पूरा तो आप सारे वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल देन डू लाइक

शुरू से कवर करना था लेकिन वक्त नहीं था चलो एनी वेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद बिगनिंग ऑफ सोशियोलॉजी चलिए सबसे पहले जो ये इंपॉर्टेंट चीज है उसमें ये बताया गया है कि इज़ वन ऑफ ऑफ द यंगेस्ट ऑल सोशल मतलब जितने भी साइंस हम पढ़ते हैं चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो ज्योग्राफी हो फिलोसफी हो एंथ्रो हो साइकोल वट ठीक है सब में सोशियोलॉजी सबसे यंगेस्ट है क्यों क्योंकि ये अभी रिसेंटली एक डिसिप्लिन बना है डिसिप्लिन मतलब कि सब्जेक्ट बना है उससे पहले ये सब्जेक्ट की तरह माना नहीं जाता था ठीक है तो रिसेंटली ये एक सब्जेक्ट बना है इसलिए इसको सबसे यंगेस्ट सोशल साइंसेज माना गया है दूसरा इसको सबसे ओल्डेस्ट भी साइंस माना गया है अब ये क्या बात हो गई भाई सबसे यंगेस्ट भी बोलते हो सबसे ओल्डेस्ट भी बोलते हो तो ओल्डेस्ट इसलिए क्योंकि जब से सिविलाइजेशन चालू हुआ है दैट मीन्स ह्यूमन सभ्यता हम समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जब से तब से इंसान सोसाइटी तो के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से अलग अलग लोग आए अलग अलग राजा आए महाराजा आए ये सब के बारे में हम बात करते हैं तो यू कैन से कि हाँ ओल्डेस्ट भी है सबसे यंगेस्ट भी है यंगेस्ट इसलिए क्योंकि नया नया सब्जेक्ट की तरह है और ओल्डेस्ट इसलिए क्योंकि कब से पढ़ रहे हैं यार ये वाली बात ओके okay? अब ऑगस्ट कॉम जो है उन्होंने भी सोशोलॉजी के बारे में बताया सबको यू नो दिस थिंग वेरी वेल इसीलिए उनको फादर ऑफ सोशोलॉजी बोला जाता है लेकिन ऑगस्ट कॉम से भी पहले लोग समाज के बारे में बात करते थे आप ये मत सोचो कि ऑगस्ट कॉम के बाद ही समाज के बारे में लोग बात करना चालू किए जैसे कि एरिस्टॉटल ने पॉलिटिक्स की बात की कौटल्या ने अर्थशास्त्र की बात की सब में लोग सोशोलॉजी की बातें करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कुछ जो पुरानी सोशियोलॉजी और आज की सोशियोलॉजी में बहुत अंतर है जमीन आसमान का अंतर है ठीक है तो अर्ली सोशियोलॉजी के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक टी वी बॉटम और बताते हैं वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या है वो सबसे पहले जो अर्ली सोशियोलॉजी है दैट इज एनसो सॉरी एनसाइक्लोपेडिक इन नेचर वाई आई एम लाइक दिस ओके एनसाइक्लोपेडिक इन नेचर इन्साइक्लोपैडिक का मतलब क्या होता है कि देखो हर चीज़ का कोई ना कोई इतिहास होता है अभी जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है इसमें कोरोना जो आया ठीक है फ्यूचर में हो सकता है कि इसको इतिहास माना जाएगा ऐसे गांधी जी का टाइम था उससे पहले फिर मेडिवल इंडिया था अकबर का ज़माना था फिर और भी कुछ चीज़ था तो हर चीज़ की हिस्ट्री होती है और उस ज़माने का जो समाज था सोसाइटी था वो बिल्कुल डिफरेंट था ठीक है एक ज़माना ऐसा भी था कि जब लोग सती प्रथा करते थे एक ज़माना ऐसा था कि लड़कियों की शादी बहुत ही कम एज में करा दी जाती थी सो दिस इज़ समथिंग जो कि हर बार समाज बदल रहा है इतिहास के साथ तो हम जो अर्ली सोशोलॉजी है उसमें हर चीज़ पढ़ते थे हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं हम समाज भी पढ़ रहे हैं तो अपने आप में काफ़ी थियोरिटिकल चीज़ें हो जाती थी सेकेंड चीज़ थी जो अर्ली सोशोलॉजी वॉज एवोल्यूशनरी इन नेचर किस तरीके से समाज धीरे धीरे करके आज तक डेवलप किया है इवोल्व किया है वो हम सारी चीज़ें पढ़ रहे थे दैट इज़ मॉडल्ड अपॉन बायोलॉजी मॉडल्ड अपॉन बायोलॉजी का मतलब क्या होता है आपने बहुत सारे थिंकर्स जो होते हैं ना उनके हिसाब से देखा होगा कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उससे समाज को कंपेयर किया जाता है हमारा ह्यूमन बॉडी क्या है जैसे कि हमारे आँखें हैं हमारा लंग्स है इंटेस्टाइन है किडनी है और हर चीज़ आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है ऐसा माना जाता है अगर एक भी चीज़ ख़राब हो जाए ना तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिंदा नहीं रह पाएंगे वैसे ही हमारा समाज भी है समाज में भी बहुत सारी चीज़ें होती है शादी होती है वी हैव फैमिली वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स और ये सब आपस में बहुत ही कनेक्टेड है रिश्तेदार किनशिप राइट और एक भी चीज़ अगर खराब हो जाए ना तो समाज भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो इस तरीके से थोड़ा बायोलॉजी के साथ मिला जुला करके सोशोलॉजी को ज़्यादा माना जाता था पुराने ज़माने में अर्ली सोशोलॉजी में और सोशोलॉजी को सबसे एबव माना जाता था इट वॉज़ रिकोगनाइज एबव ऑल तो ये कुछ कैरेक्टरस्टिक्स है जो कि अर्ली सोशलॉजी के बारे में टी बी बॉटम और ने बताए मैं जो लेक्चर्स है उनको बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प सिंपल क्लियर रख रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ना जो सोशोलॉजी का बिगनिंग पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से जाता जाए ठीक है जो भी बच्चे जो कि इलेवंथ ट्वेल्थ के हैं या फिर इफ़ यू आर जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं एंड नया नया सोशोलॉजी को लिए हैं आपको भी चीज़ें समझ में आते जाए ठीक है बाकी आप एक साथ फ्यूचर में बिज वॉच कर सकते हो लेक्चर्स को ठीक तो चलो अब कल वाला जो लेक्चर रहेगा दैट विल बी रिलेटेड टू कि एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी हुआ तो वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनके कारण से हमारा जो सोशोलॉजी है वो एमर्ज होके निकलता है ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें सोशोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है मतलब समाज के बारे में पढ़ाई क्यों आखिर ऐसा क्या हुआ था तो वो सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे ठीक है तो अभी तक ये चैप्टर वन ही चल रहा है ओके okay, तो ये मत समझना हम चैप्टर टू में पहुंच गए चैप्टर वन अपने आप में बहुत बड़ा था तो धीरे धीरे कर रहे हैं चीज़ों को बस थैंक यू सो मच ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने की कोशिश करो आई स्टील आई आई फील रियली मोटिवेटेड बाय दैट एंड डू शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय बाय एवरीबॉडी